डोडा से ताल्लुक रखने वाली 20 साल तालिबा अलीना ने अपने हुनर से अपनी खास पहचान बनाई। अलीना सोहरवर्दी पोर्ट्रेट बनाकर अच्छी कमाई करती हैं। पेशे डोडा से हमारे नुमाइंदे आतिफ लोन की ये रिपोर्ट। लगातार लॉकडाउन की वजह से लोग जहनी तनाव का शिकार हो रहे हैं और इसी जहनी तनाव को खत्म करने के लिए 20 साल अलीना ने पोर्ट्रेट बनाने का काम शुरू किया। अलीना को बचपन से ही स्केचिंग का बेहद शौक रहा है। अलीना के दादा एक खत्तात थे, वो अरबी और फारसी जबान में खत्ताती करते थे। अलीना अपने मुनफरिद हुनर की वजह से पूरे वादी चिनाब में काफी मकबूल हो रही हैं। अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि इतना स्ट्रेसफुल माहौल है कोविड-19 के चलते, मैंने ट्राई किया कि अपनी हॉबीज़ को मैं थोड़ा इंडल्ज होने की कोशिश करूं। कैलीग्राफी एंड पेंटिंग, स्केचिंग, ड्राइंग मेरी हॉबीज़ हैं। मुझे बचपन से ही ड्राइंग वगैरह का बहुत शौक़ रहा है, इसलिए मैं साथ साथ कॉस्ट की भी तैयारी कर रही हूँ। मेरी हॉबी थी, साइड बाई साइड चलाती हूँ, बट अभी मेरी प्रायोरिटी है आई वॉन्ट टू बी अ प्रोफेसर। अभी मुझे PhD करना है, बहुत कुछ करना है, लाइफ में कुछ बनना है। अलीना का कहना है कि तलबा को अपनी तख्लीकी सलाहियतों को लॉकडाउन के दौरान मिल रहे वक्त में इस्तेमाल करना चाहिए, इससे उनका हुनर निखर जाएगा और वो तनाव से भी महफूज रह सकते हैं। अलीना के लिए ये काम रोजगार का जरिया भी बन रहा है। वो एक पोर्ट्रेट तैयार करने के लिए 800 रुपए लेती है और इस पैसे से वो अपनी जरूरियात पूरी करती है। अलीना ये हुनर दीगर लोगों को भी सिखाना चाहती है। बहुत सारे बच्चे हैं जो लॉकडाउन के दौरान डिप्रेशन में आ गए हैं और काफ़ी केसेस सुसाइड के भी आ रहे हैं आजकल। मैं उन बच्चों से ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी फैमिली के बारे में सोचें सबसे पहले, बाकी सब चीज़ें छोड़ दें। ये पढ़ाई होती रहेगी, आप लोगों के जो ख्वाहिशात हैं, बाहर जाना, घूमना फिरना, ये सब होता रहेगा, लेकिन उससे पहले आप ये सोचें कि आपका ये कदम जो है आपकी फैमिली पे क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। पर्सनली ये सबको एडवाइस देना चाहती हूँ कि आप अपना माइंड डाइवर्ट करें, जैसे कि मैंने ट्राई किया। अलीना को उनके अहले खाना से भी काफी ताउन मिल रहा है। वो अलीना को अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए काफी हौसला अफजाई कर रहे हैं। अलीना की वालदा को खुद खत्ताती और पेंटिंग काफी पसंद है और वो चाहती है कि उनकी लाडली बेटी भी इस शोबे में अपना नाम कमाए। हर माँ बाप चाहता है कि अपने बच्चे को डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, लेकिन इसके अलावा भी दुनिया में जितने टैलेंट्स हैं, बल्कि हर माँ बाप को कहना चाहूँगा कि बच्चे को कभी तंग ना किया जाए कि साहब तुम ये नहीं वो करो, वो नहीं ये करो, उसको उसी में बूस्ट किया जाए। अगर उसका जहन खुला रहेगा और ये समझता रहेगा कि साहब मेरे बाबा माँ बाप मेरे साथ हैं, तो उसके जहन पे वो दबाव कभी भी नहीं पड़ेगा जिससे वो इस किस्म की हरकतें करने पे मजबूर हो जाए, लाइक खुदकशी करना, लाइक चिड़चिड़ा बनाना, लाइक आवारागर्दी करना। इस किस्म की बड़ी बातें ऐसी होती हैं जो नेगेटिव साइड में चली जाती है। नेचुरली स्पोर्ट है तो तभी ये कर पा रही है। स्पोर्ट तो हमारी पूरी है, इसको इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। अच्छा लग रहा है जो कर रही है। कैलीग्राफी भी अब कर रही है, पहले पोर्ट्रेट्स वगैरह बनाती थी लेकिन अब कैलीग्राफी भी कर रही है, मुझे खुद भी पसंद है, अच्छा लग रहा है। अलीना अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए पुरस्प है। अलीना मानती हैं कि अपने हुनर और अपनी तख्लीकी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए एक इंसान अपने लिए बेहतर रोजगार का इंतजाम कर सकता है। न्यूज 18 उर्दू के लिए डोडा से आतिफ लोन की रिपोर्ट।